Let's discuss trends in chemical reactivity of group 14 elements. अब इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे reactivity towards oxygen. Reactivity towards oxygen. अब सबसे पहली बात ये याद रखें कि जितने भी elements हैं group 14 में सबके सब oxygen के साथ react करेंगे और वो oxides produce करेंगे. So all elements of group 14 reacts with oxygen to form oxides. अब यहां पे दो किस्म के oxides वो बनाते हैं, monoxide और dioxide. याद रखे, they form monoxides and dioxides with oxygen respectively. जैसे कि if M is element of group 14, so when it comes in contact with oxygen, it can form MO2 type oxide. Similarly, element combines with oxygen producing monoxide also, जिसका formula MO type होगा. So इस प्रकार से monoxide और dioxide ये produce करे. अब देखिए, carbon monoxide यानी CO, SiO, GeO, SnO, PbO are the monoxides. So CO, उसके बाद SiO, GeO, SnO and PbO are monoxides. अब SiO और GeO ये दो जो है monoxides, बाकी के जो monoxides है वो stable इनके अलावा. So SiO exist at high temperature only, याद रखे सबसे पहली बात, except SiO and GeO, other monoxides are stable. बाकी के monoxides जो है वो stable है. SiO जो है वो high temperature पे ही exist करता है. SiO exists at high temperature only. ये चीज याद रखे. अब oxides in higher oxidation state are more acidic. ये चीज याद रखे. So oxides in higher oxidation states are more acidic. अब इसमें example के तौर पे हम बता सकते हैं CO2, SiO2, GeO2 are acidic oxides. इनका नेचर जो है वो एसिडिक होता है. अब SnO2 और PbO2 जो है वो एम्फोटेरिक है, याद रखें. बट SnO2 एंड PbO2 आर एम्फोटेरिक. एम्फोटेरिक का मतलब वो एसिडिक और बेसिक दोनों कैरेक्टर्स शो करें. अब देखिए, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो न्यूट्रल है, लेकिन GeO इज एसिडिक. रिमेंबर, सो कार्बन मोनोऑक्साइड इज न्यूट्रल बट GeO इज एसिडिक इन नेचर. सो मोनोऑक्साइड जर्मेनियम का जो है वो एसिडिक है, कार्बन मोनोऑक्साइड न्यूट्रल है, लेकिन SnO और PbO जो है वो एम्फोटेरिक है, ये भी याद रखें. बट SnO एंड PbO आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, यानी ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड वैरायटी में आते हैं. अब जो रेड फॉर्म होता है PbO का, लीड ऑक्साइड का रेड फॉर्म, उसे लिथार्ज कहना चाहिए, याद रखें. सो रेड फॉर्म ऑफ लीड ऑक्साइड इज कॉल्ड एज लिथार्ज, इसको लिथार्ज कहना चाहिए. एंड येलो फॉर्म,
एंड एलो फॉर्म इज कॉल्ड एज, इसको मैसीकोट कहा जाता है, इट इज कॉल्ड मैसीकोट, याद रखें। सो इट वॉज ऑल अबाउट रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन। अब इसके बाद देखेंगे रिएक्टिविटी टुवर्ड्स वॉटर। सो लेट्स सी रिएक्टिविटी टुवर्ड्स वॉटर। अब सबसे पहली बात ये याद रखें, कार्बन, सिलिकॉन और जर्मेनियम आर नॉट अफेक्टेड बाय वॉटर। कार्बन, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम आर नॉट अफेक्टेड बाय वॉटर, यानी वॉटर के साथ इसकी कोई रिएक्शन नहीं होगी। बट टिन कैन डिकम्पोज स्टील टू फॉर्म अ डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। सो टिन कैन डिकम्पोज स्टील, टिन कैन डिकम्पोज टिन स्टीम टू फॉर्म डाइऑक्साइड एंड H2 गैस। सो दिस कैन बी शोन इन दिस मैनर, टिन व्हेन हीटेड विद स्टीम, दिस इज स्टीम, स्टीम के साथ इसको हीट कराओ, सो इट कैन डिकम्पोज प्रोड्यूसिंग डाइऑक्साइड विद द रिलीज ऑफ हाइड्रोजन गैस। इसको ऐसे दिखा सकते हैं। सो लीड इज ऑल्सो अनअफेक्टेड बाई वॉटर, बट इट कैन फॉर्म प्रोटेक्टिव कोट ऑफ ऑक्साइड ऑन इट्स सरफेस। सो लीड रिमेन्ड अनअफेक्टेड बाय वॉटर, बट इट फॉर्म अ थिन ऑक्साइड फिल्म ऑन इट्स सरफेस। सो ये था रिएक्टिविटी टुवर्ड्स वाटर ऑफ ग्रुप 14 एलिमेंट्स। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजन। अब देखिए ग्रुप 14 एलिमेंट्स, जितने भी एलिमेंट्स ग्रुप 14 में है, सबके सब हैलोजन के साथ रिएक्ट करेंगे, प्रोड्यूसिंग डाइहलाइट्स एंड टेट्राहलाइट्स, याद रखें। सो एलिमेंट्स एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 14 फॉर्म डाइहलाइट्स एंड टेट्राहलाइट्स, टेट्राहलाइट्स विथ हैलोजन, याद रखें। हैलोजन के साथ डाइहलाइड और टेट्राहलाइड जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। अब कार्बन के अलावा बाकी के जो मेंबर्स हैं, दे कंबाइन डायरेक्टली विथ हैलोजन। सो ये एक चीज याद रखें, एक्सेप्ट कार्बन, एक्सेप्ट कार्बन अदर मेंबर्स ऑफ ग्रुप 14 कंबाइन डायरेक्टली विथ हैलोजन्स, विथ हैलोजन्स, याद रखें। अब स्टेबिलिटी ऑफ टेट्राहलाइड डिक्रीजेस फ्रॉम कार्बन टू लीड। टेट्राहलाइड की स्टेबिलिटी कार्बन से लीड डिक्रीज होती है, याद रखें। सो स्टेबिलिटी ऑफ टेट्राहलाइड्स, टेट्राहलाइड्स डिक्रीजेस फ्रॉम कार्बन टू लीड। सो ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी क्या होगा, CCl4 सबसे ज्यादा, देन SiCl4, देन GeCl4, देन SnCl4 एंड देन PbCl4 जो सबसे कम स्टेबल टेट्राहलाइड होगा। सो मोस्ट ऑफ द टेट्राहलाइड्स आर कोवेलेंट, जिसमें सेंट्रल एटम sp3 हाइब्रिडाइज होता है। सो याद रखें, मोस्ट ऑफ द टेट्राहलाइड्स, मोस्ट ऑफ द टेट्राहलाइड्स आर कोवेलेंट एंड सेंट्रल एटम, एंड सेंट्रल एटम इज व्हाट, sp3 हाइब्रिडाइज्ड। अब इस वजह से क्या होगा, टेट्राहलाइड की ज्योमेट्री जो है वो टेट्राहेड्रल होगी। सो दस
टेट्राहलाइड्स, दस टेट्रा हलाइड्स आर हैविंग टेट्राहेड्रल, आर हैविंग टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, टेट्राहेड्रल के टेट्रा हलाइड की ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होती है। अब इसमें एक चीज याद रखें, SnF4 एंड TbF4 आर आयोनिक, यानी टेट्रा फ्लोराइड्स ऑफ टिन एंड लीड आर आयोनिक, बट टिन टेट्रा लीड टेट्रा आयोनाइड डज नॉट एग्जिस्ट, याद रखें। सो SnF4 एंड TbF4 आर आयोनिक, बट PbI4 डज नॉट एग्जिस्ट, वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। सो एलिमेंट फ्रॉम जर्मेनियम टू टिन, सॉरी लीड, कैन फॉर्म डाइहलाइड्स। अब हमें मालूम है ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट जो हायर एलिमेंट्स है वो प्लस टू स्टेट शो करते हैं। सो एलिमेंट्स फ्रॉम जर्मेनियम टू लीड कैन फॉर्म डाइहलाइड्स, कैन फॉर्म डाइहलाइड्स, एंड स्टेबिलिटी ऑफ डाइहलाइड इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, याद रखे। एंड स्टेबिलिटी ऑफ डाइहलाइड्स, डाइहलाइड्स इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। इसका मतलब ये होता है कि लीड का जो डाइहलाइड होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा। सो GeX4 जर्मेनियम का जो टेट्राहलाइड है वो थर्मली ज्यादा स्टेबल होगा डाइहलाइड से, याद रखें। GeX4 इज थर्मली मोर स्टेबल देन GeX2, बट PbX2 इज मोर स्टेबल देन PbX4। लीड के मामलों में प्लस टू की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, कार्बन टेट्राक्लोराइड का हाइड्रोलिसिस हम लोग नहीं करा सकते हैं क्योंकि कार्बन के वैलेंस शेल में डी ऑर्बिटल नहीं है, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल। सो याद रखे, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल इन वैलेंस शेल ऑफ कार्बन, CCl4 कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज, कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज, बट SiCl4 कैन बी हाइड्रोलाइज्ड टू फॉर्म सिलिसिक एसिड, सिलिसिक एसिड। अब देखो इसको किस प्रकार से हम दिखा सकते हैं, SiCl4 अगर इसका हम हाइड्रोलिसिस कराएंगे देन वी कैन हैव SiOH/4 अलोंग विद HCl, दिस इज सिलिसिक एसिड। सो इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं रिएक्टिविटी ऑफ ग्रुप 14 एलिमेंट्स टुवर्ड्स हैलोजन।